का दर्द भी छलका। कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। रिजवान सोलंकी के खिलाफ भी जारी हुआ है एनबीडब्ल्यू। जल्द ही कुर्की की तैयारी में कानपुर पुलिस सब जुटेगी। एमपी एमएलए कोर्ट से जारी हुआ है एनबीडब्ल्यू, तो मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ, कानपुर से सपा विधायक हैं इरफान सोलंकी, एमपी एमएलए कोर्ट से जारी हुआ एनबीडब्ल्यू विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ। इसके अलावा रिजवान सोलंकी के खिलाफ भी जारी हुआ है एनबीडब्ल्यू। जल्द ही कुर्की की तैयारी में कानपुर की पुलिस, यानी कि मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं समाजवादी नेता और विधायक इरफान सोलंकी की। कल हमने माननीय न्यायालय से एनबीडब्ल्यू हासिल किया है। हम इस गंभीर प्रकरण की विवेचना कर रहे हैं और इस विवेचना के क्रम में हमने प्लेस ऑफ ऑकरेंस का निरीक्षण परीक्षण, वादियों का परीक्षण, वादिनी का सक्षम न्यायालय में बयान कराया जाना और जो भी वहां पे एग्जिबिट अवेलेबल है उनका परीक्षण किया जाना, तो सारे काम हमने किए हैं। क्वेश्चन पर्सन जो नेम्ड एक्यूज हैं दोनों लोग, उनका परीक्षण किया जाना अब तक बाकी है, क्योंकि वो लोग हैं नहीं और वो विधिक कार्यवाही में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, न तो वो विधिक कार्यवाही के लिए सामने आ रहे हैं। इस क्रम में कल हमने माननीय न्यायालय से एनबीडब्ल्यू लिया है और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हमारी टीमें उनको ले आ पाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में जो अग्रेतर कार्यवाही है तो वो भी हम करेंगे। और मुश्किलें बढ़ चुकी है समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी के खिलाफ। और आपको बता दें कि अवनीश दीक्षित इस खबर पर जुड़ चुके हैं कानपुर से हमारे साथ। अवनीश, कानपुर से विधायक इरफान सोलंकी और विवादों का देखिए नाता बहुत पुराना है। कई बार इससे पहले भी ऐसे तमाम मामले सामने आ चुके, आपने भी देखे होंगे जब जब आरोप लगा इरफान सोलंकी पर। इस बार का मामला क्या है? देखिए, आरोप हमेशा उनके ऊपर लगते रहते, लेकिन इस बार कहा जाए शेर को सवा शेर मिल गया। एक कहावत है ना, जो हमेशा लुका छिपी का खेल जो पुलिस से आम जनता के साथ खेलते थे, वो उनके भाई बंधु खेलते थे, जो उनकी गुंडाई थी चरम पर थी, उस पर इस बार विराम लगाने काम कानपुर नगर पुलिस ने किया, चाहे वो शासन के आदेश किया हो प्रशासन के आदेश किया हो। लेकिन इस बार निश्चित रूप से उनको मालूम पड़ गया कि कानून नाम की कोई चीज उत्तर प्रदेश में है। ये पहली बार हुआ है कि विधायक जी अपने भाई साथ घर छोड़ने को मजबूर हो गए और कहाँ गायब हो गए, कहाँ लुप्त हो गए, ये पता नहीं चल रहा। हालांकि बराबर पुलिस की दसियों टीमें लगा दी गई है, लेकिन कोई विधायक जी की लोकेशन नहीं ट्रेस कर पा रहा। विधायक जी कहाँ पर, कभी उनकी लोकेशन उन्नाव मिलती है, कभी अजमेर मिल रही है, कभी लखनऊ मिल रही है। विधायक जी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। हालांकि पुलिस ने अब पहली बार एक बड़ी कार्रवाई की है कि एमपी एमएलए कोर्ट से उनके भाई के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट इशू करा लिया है। वारंट इशू होने के बाद से अब आगे चलकर कुर्की और इनाम घोषित होने की तैयारी पुलिस जुट गई है। हालांकि पुलिस कह रहा है कि उनको बाकायदा मौका दिया जा रहा है, तो आकर के माननीय न्यायालय में समर्पण कर दे, अपनी बात कह आगे और जो पुलिस को सहयोग करे पूरी विवेचना में, क्योंकि मामला थोड़ा छोटा बड़ा नहीं है, काफी बड़ा मामला है। किसी बुजुर्ग महिला की जमीन हड़पने के लिए उसके घर में आग लगा देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए और अक्षम अपराध, इसके लिए उनको कानपुर पुलिस और कतई माफ करने को तैयार नहीं है। उनको इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस के पास आना पड़ेगा, चाहे वो अपनी मर्जी से या जबरन पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाए। यानी कि इस बार का जो मामला है थोड़ा गंभीर है और ऐसे मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। अवनीश, देखिए पढ़ नहीं सकता, 102% विधायक इरफान सोलंकी को जेल जाना पड़ेगा, उनके भाई को जेल जाना पड़ेगा। ये ऐसा मामला है जिसको शासन ने बड़ी गंभीरता से लिया, उसकी मॉनिटरिंग शासन स्तर से बराबर जो उच्च पुलिस अधिकारी है वो कर रहे हैं, शासन में बैठे अधिकारी कर रहे हैं और कानपुर पुलिस के जो अधिकारी है, जो कमिश्नर से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर से लेकर के थाना स्तर तक मतलब एक गंभीर तरीके से मॉनिटरिंग, एक पल पल की स्थिति जानकारी शासन को जा रही है। विधायक के करीबी लोग उनको बैठाया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके सके संबंधियों जांच की जा रही है और तो जो विधायक कारनामे है, यानी कि बच नहीं सकते इस बार विधायक इरफान सोलंकी और समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें।